हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आए हैं बहुत टाइम बाद अपने चैनल पे एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का कारण मेरे पास रखा है यहाँ पे ये डब्बा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऊपर सीलिंग आ गई है। तो क्या है इस डब्बे में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सीज़र उठानी पड़ेगी जो कि उस कोने में रखी है, और अपने अमेज़ॉन का प्यारा सा डब्बा हम यहाँ से ऐसे कच 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 कचा अरे कर जा। हाँ ये कट चुका है लेकिन अभी भी खुला तो नहीं है। अच्छा इस तरफ से भी बहुत बढ़िया पैकिंग करके दी है अमेज़ॉन ने, दोनों तरफ से टेप लगाया है, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी का कुछ नहीं बज रहा है वो। चलो ठीक है अब देखें। अरे अभी भी नहीं खुला है, ये टेप आपस में भी लगा हुआ है। हाँ अब खुल गया। इस अमेज़ॉन प्राइम की टेप को हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे डस्टबिन है जो फ्रेम में नहीं आ रहा, बट मैंने डस्टबिन में फेंका है। इसके अंदर से निकला ये। अब इसका साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, वाह अमेज़ॉन वाह। चलो हमारे पास आ चुका है हमारा प्रोडक्ट जो हमने मंगाया था। ये है विप्रो का स्मार्ट वाईफाई LED बैटन 20 वॉट पावर वाला। और ये एक्चुअली RGB वाला है और एक IoT डिवाइस है। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को इंटरनेट सप्लाई देके उनको स्मार्ट बना लेते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस एक तरीके से। हमारा ये भी स्मार्ट डिवाइस है। और इस स्मार्ट डिवाइस को अब हम अपने बॉक्स में से ज़रा बाहर निकाल के देखें तो दिखने में तो ये नॉर्मल एक ट्यूबलाइट की तरह ही है। इसके अंदर कुछ और भी है, एक बार ये भी देख लेते हैं। ओके क्विक स्टार्ट गाइड है, इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे रखते हैं और इस क्विक स्टार्ट गाइड को एक बारी नज़र मार लेते हैं कि इसकी ऐप कौन सी है। ओके तो विप्रो स्मार्ट लाइट ऐप इसमें चलेगी और बाकी सबको सब कुछ पता ही होता है। Are you sure about that? और इसको एक बारी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मेरे पास हर चीज का इंतजाम है। कमान आ जा। ये अपना बोर्ड आ गया निकल के, अब इसको एक बारी चेक कर लेते हैं इसमें डाल के प्यार से। और ये ऑन हो जानी चाहिए, ये इट्स वर्किंग। तो अब फटाफट से वहाँ पे एक ट्यूबलाइट ऑलरेडी पुरानी वाली लगी हुई है, उसको निकाल के इसको सेटअप करना है उसकी जगह पे, और वो जो लगी हुई है उसको हमने कहीं और सेटअप करना है। तो फटाफट ये सेटअप का काम करते हैं। जो पुरानी वाली हमारी नॉन स्मार्ट लाइट लगी हुई थी उसमें फंसेगा नहीं, इसके लिए अलग इन्होंने हुक दिए हुए हैं जिस हुक में इसे फंसाना पड़ेगा। तो अब उस हुक को ड्रिल करने के लिए कुछ और देखना पड़ेगा क्योंकि ड्रिल मशीन तो है नहीं। हाँ ये ऐसा फंस जाएगा इजीली। तो अब देखते हैं कुछ और क्या इंतजाम हो सकता है। इन पुराने वाले हुक को निकाल के मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ। पकड़, ये पुराने वाले अगर साबुत निकल जाए तो नए वाले लग जाएंगे। पकड़ना भाई, शाबाश। अभी लोग कमेंट्स में पूछेंगे मैट्रेस हटा के क्यों नहीं कर रहे। मैट्रेस हटा लो तो ये इतना नहीं हिलेगा, लेकिन मैट्रेस हटा लेंगे तो हाइट कम हो जाएगी ना। ए, जान के मत हिला। तो थोड़ी सी मजबूरी है, या तो पूरा बेड हटा के यहाँ पे सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी, वो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि मैट्रेस के ऊपर ही स्टूल रख लो। बाकी नीचे भाई साहब खड़े हैं पकड़ने के लिए, पकड़ लेंगे। ये आ गया पुराना वाला बाहर। मत कर। हाँ पुराना वाला बाहर आ गया, इसको पकड़। उसके स्क्रू देख ना, अंदर स्क्रू है क्या? आई मैं गिर जाऊंगा। हाँ ठीक है, जल्दी देख इसके अंदर स्क्रू है। पकड़ ले। हाँ इसके अंदर छोटे स्क्रू है ना, इसकी गिट्टी इतनी छोटी क्यों है? इसकी गिट्टी छोटी है। चलो हम उसी वाले स्क्रू का यूज़ है, पकड़ भाई, उसी वाले स्क्रू का यूज़ करते हैं। बड़ा वाला स्क्रू जो हमने लिया वही है, लंबू स्क्रू। यस दिस वन हेयर लाइक दिस, एंड नाउ
One debt to society later. ए, पकड़ के रख भाई। अरे हाँ, क्या कर रहा है भाई? गिराएगा मुझे। इसको खोल के इसको इसके अंदर फंसा देते हैं फटाफट से, और फिर उसके बाद लाइट को ऑन करके फिर आपसे मिलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सेटअप चेंज हो चुका है। हेलो। क्योंकि स्टूल से जो है हो नहीं पा रहा था सही से। यहाँ से मैं तार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये तार खींच के आने को तैयार ही नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने ब्लैक वाली तार यहाँ शुरू कर कैसे दी, क्योंकि ये दूसरी तार तो आने को तैयार ही नहीं है जरा सी भी। मैं परेशान कर दिया ये। अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा हो गया मुझे ट्राई करते हुए और अब तक कोई रिजल्ट निकला नहीं है। एक बारी मैंने तार लगा दी थी, ये गोला डालना भूल गया, तो ये गोला लगाने के लिए फिर मैंने वीडियो रोकी और गोला डाला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यस अभी तो ये हमारी तार थैंकफुली फाइनली बाहर आ चुकी है। इसको ऐसे करके लगा देते हैं अंदर इसके और फटाफट से ट्यूबलाइट ऑन करके फिर आपसे अगले कट पे मिलते हैं। वाह क्या सीन है। सो वेलकम बैक टू द अनदर बिट ऑफ द वीडियो। थोड़ा बहुत रूम क्लीन किया और वो देखिए वहां पे हमारी स्मार्ट लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, और अब इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। और ये एक नॉर्मल ट्यूबलाइट की तरह ऑन हो गई है। वैसे स्मार्ट बल्ब मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पता है कि कैसे यूज़ करना होता है, बट ये सिस्का ब्रांड है, वो विप्रो ब्रांड है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो एक बारी इसकी क्विक स्टार्ट गाइड उठा ही लेते हैं। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? इसको एक बारी एक नज़र मार लेते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा। ओके okay, तो सेटअप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमको इसमें विप्रो का ऐप इंस्टॉल करना है। तो अपनी घड़ी उठा लेते हैं जो वहाँ पे पोर्टेबल घड़ी रखी हुई थी, और विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप जो कि ये रहा, ये ऐप हमें इंस्टॉल करना है। इसकी रेटिंग तो बहुत ही ख़राब है। चलो ये ऐप फटाफट इंस्टॉल हो रहा है, और इसमें लिखा है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड सपोर्ट करता है। आजकल के वाईफाई डुअल बैंड राउटर्स आते हैं, तो हमारा भी जो जियो फाइबर लगा हुआ है उसमें दो बैंड सपोर्टेड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 2.4 वाले बैंड से कनेक्ट करना है, तो एक बारी अपने फ़ोन को भी उससे कनेक्ट कर लेते हैं 2.4 वाले बैंड से। हाँ इंस्टॉल हो रहा है, अभी हो रहा है। वो बीच में हमने वाईफाई डिस्कनेक्ट करके दूसरा बैंड कनेक्ट किया ना, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो हो गई। तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि हमको लाइट इंस्टॉल करनी है, उसको ऑन करना है और देखना है कि ये फ्लिकर कर रही हो। फ्लिकर करने के लिए हमको इसको शायद बटन को ऑन ऑफ करना होता है, तो वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले अब इसकी ज़रूरत नहीं है। Are you sure about that? Okay, तो विप्रो का ऐप कुछ इस तरीके से खुला। इसकी सारी परमिशंस वगैरह हमको एग्री करनी पड़ेगी, साइन अप करना पड़ेगा आपके अंदर। ओके ईमेल आईडी डाली है, मैंने साइन अप किया है। अब ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड इसमें डालना पड़ेगा। ओके सो हमारा पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया है और हम लॉगिन कर चुके हैं अपने विप्रो के ऐप पे। यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऐप का इंटरफेस आया है, नो डिवाइसेस ये कह रहा है। अब हम इसको पेयरिंग मोड पे ले जाते हैं, उसके लिए इसको ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऐसे 4-5 बार करेंगे तो ये फ्लिकर करेगी और पेयरिंग मोड पे चली जाएगी। जा नहीं गई, गई 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 गई, देखो फ्लिकर कर रही है। अब हम इसको ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड डिवाइस में जाके हम इसको जितनी भी परमिशन ये मांगेगा सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। ब्लूटूथ भी मांग रही है तो ब्लूटूथ भी ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे ये पेयरिंग मोड पे हमारा डिवाइस है और ये हमारे डिवाइस को सर्च कर रहा है, तो अब देखते हैं लगभग कितना टाइम लगाता है ये। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, ये विप्रो का जो ऐप है वो सिस्का के ऐप से बहुत सिमिलर है। अगर आप लोगों ने सिस्का का स्मार्ट होम ऐप यूज़ किया है तो इसका इंटरफेस लगभग डिट्टो सेम है उन दोनों ऐप्स का। इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक बारी और खोल लेते हैं। अच्छा अब तो ऐप ही हमको बता रहा है, तो ऐप हमको बता रहा है इफ़ द लाइट इज़ ब्लिंकिंग फास्ट पावर ऑन। हमको 3, 5 या 7 बार करना है यूज़र मैनुअल के डिपेंडिंग,
तो एक बार यूज़र मैनुअल पे चेक कर लेते हैं हमारा कितनी बार करने को लिखा है इसमें। इसमें कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो हम ज़रा अपने हाथ से ही कर लेते हैं, 3, 4, 5। ओके, 5 बार कर लिया है। और अब ये रैपिड ब्लिंकिंग करनी चाहिए इसने, जैसा ये दिखा रहा है, लेकिन रैपिड ब्लिंकिंग वहाँ हो नहीं रही है। हो सकता है ये ऐसी ब्लिंक करती हो, ट्यूबलाइट है। हाँ, आ गया। देखो, हमारा विप्रो बैटन 5CH करके एक डिवाइस आया है, इसको हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। और ये हमारे फ़ोन से ऐड हो रहा है हमारे ऐप पे। Eventually. ऐड ही नहीं हो रहा है अभी तक, ये बीइंग एडेड ही दिखा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट हो गए हैं, कुछ तो ये लोडिंग कर रहा है डन होने के बाद। और ये अपना डिवाइस कनेक्ट हो गया, थैंकफुली हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको ट्राई आउट करते हैं ज़रा। ये हमारा डिवाइस है और ये रहा हमारा मोबाइल ऐप। इसकी ज़रा एक बारी ब्राइटनेस कम करके देखें। ये ब्राइटनेस कम हो गई। अब इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के देखें, ब्राइटनेस बढ़ गई। इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे, थोड़ा सा कूल करेंगे। ओके, आरजीबी चेक करना बहुत ज़रूरी है, आरजीबी इसका ठीक से चल रहा नहीं चल रहा। तो कलर मोड पे जाते हैं। यस, कलर मोड इसके सारे होपफुली ठीक चल रहे हों। बहुत बढ़िया, सारे कलर्स इसके ठीक चल रहे हैं। ब्राइटनेस बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा विप्रो का स्मार्ट लाइट का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और ये विप्रो की स्मार्ट लाइट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस स्मार्ट लाइट को अपने एलेक्सा डिवाइस से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस पे वॉइस कमांड्स ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये वॉइस कमांड से काम कर रही नहीं कर रही। और एक लाइट हमारे पास विप्रो है, एक लाइट हमारे पास सिस्का है, तो हम इन दोनों को अपने एलेक्सा ऐप में लिंक करके देखेंगे। हम एलेक्सा से बोलेंगे कि टर्न द लाइट्स ऑन, तो देखेंगे वो दोनों लाइट साथ में जलाती है या फिर कोई एक जलती है। तो ये सब देखने के लिए आपको आना पड़ेगा अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे गलत बटन दबा रहे हो भाई तभी मैं सोचूं ये लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही।